जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति गर्माती जा रही है। सभी दल के नेता अपने अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला करने में जुटे हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाली टोपी पहनने वाले गुंडे व्यापारियों को डराने धमकाने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वे गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से आयोजित मांडली व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर और बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था, जबकि जमीन पर कब्जा करना और कब्जा करने के बाद शिकायत मत करने जाना ऐसी धमकी कौन देता था, यह सारा कुछ याद रखना, मेरी यही कहना है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था, आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने को शिकायत करने भी बन जाना ऐसी धमकी कौन देता था, यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।